सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। सुबह चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि स्पाइस मनी एप्लीकेशन से बुक किया हुआ वेटिंग टिकट यदि हमारा कंफर्म नहीं हुआ है तो उसका रिफंड अमाउंट जो है कैसे अपने वैलेट में ऐड करेंगे। तो भाई चलिए सबसे पहले हमें स्पाइस मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमें IRCTC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद में हमें यहाँ से स्क्रॉल करना है, बुकिंग रिफंड के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ बुकिंग रिफंड का ऑप्शन होगा, तो हमें बुकिंग रिफंड के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में हमारा रिफंड बुकिंग हिस्ट्री शो होगा। तो यहाँ पर हमारा PNR नंबर शो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाना था ये शो रहा है, और हमारा कितना अमाउंट जो है रिफंड होगा वो रिफंड अमाउंट में यहाँ पर शो हो रहा है, और हमारा बुकिंग डेट जो शो हो रहा है ये शो रहा है कि हमने कितनी तारीख को अपना टिकट जो है बुक किया था। तो अब भाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अप्लाई रिफंड के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई रिफंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है OTP हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। तो भाई देखिए, आपने कस्टमर का जो मोबाइल नंबर दिया था ना टिकट बुक करते वक्त, उसी मोबाइल नंबर पर यहाँ पर OTP जाएगा, तो वही OTP यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हमने यहाँ पर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के मोबाइल नंबर पर जो OTP गया है वो OTP हमें यहाँ एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद में अब हमें वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड का ऑप्शन आ गया। तो चलिए हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद में हम यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में बैक आते हैं। तो चलिए बैक आने पर यहाँ पर देखिए 34 रुपीज अभी हमारा सो रहा है ना, तो अब चलिए हम यहाँ पर से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में देखिए अभी हमारा 594 रुपीज जो है हमारा शो होने लगा। तो भाई देखिए रिफंड अमाउंट पे 560 रुपए बता रहा था, तो हमारा यहाँ पर 560 रुपए ऐड हो चुका है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से आप अपना रिफंड अमाउंट जो है वापस ले सकते हैं। तो भाई बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है जरूर प्रेस कर लीजिएगा।